ड्रग पेडलर और कर्लीज पब के ओनर एडविन जो है, इनफैक्ट दोनों को अभी गिरफ्तार किया गया है ऑलरेडी। यहाँ पे हम आपको बता दें कि अंजुना पुलिस जो है वो गए थे, इनफैक्ट कल रात को भी वो कर्लीज पब पे ही थे जहां पे उन्होंने काफी एविडेंसीज किया है, काफी रिकवरीज किए हैं वहां से, इनफैक्ट लिंचिंग एविडेंस के जो होने के बाद ही आज सुबह हम देख सकते हैं कि दो गिरफ्तारी हुई है, बोथ क्लब ओनर की और इनफैक्ट ड्रग पेडलर की भी। अभी ऐसे टाइम पे हम आपको ये भी बता दें कि जैसे ही हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर से, दोनों आरोपी को अभी जो दोनों नए अरेस्ट हुए हैं, इनफैक्ट दोनों आरोपी को यहां पे अभी ग्रिल किया जा रहा है, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ये ड्रग का इस्तेमाल यहां पे रेगुलरली होता था ये पब पे, क्या वो एक ही इंस्टेंस पे था, और ये सारे अभी प्रश्न उठा रहे हैं पुलिस यहां पे ये दोनों आरोपी को ये। लेकिन ऐसे टाइम पे ये भी देखना बाकी होगा कि ये केस में क्या मोटिव था, वो ही है जो अभी थोड़ा अनक्लियर है ये टाइम पे, क्योंकि अभी कल भी जो पुलिस ने बोला, उन्होंने बोला कि प्राइमा फीसी ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट लग रहा है इसमें, और इसी कारण इनफैक्ट शायद इसका मर्डर किया गया था। लेकिन क्या इसमें और भी बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जैसे कि फैमिली ने अलेज किया है, वो भी एंगल अभी पुलिस जानकारी इनफैक्ट ले रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को। पूरे मामले की जो है वो कड़ियां एक तरीके से कहा जा सकता है कि जुड़नी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जिस तरीके से सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ किया गया और ये पता लगाया गया कि आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ था, उसमें साफ तौर पे ये बात सामने आई कि किस तरीके से सोनाली को ड्रग्स जो है वो दिया गया था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि MDMA जो ड्रग्स है वो दिया गया था लिक्विड में मिलाकर। तो निश्चित तौर पर ड्रग्स कहाँ से आया था इसको लेकर जब पूछताछ किया गया तो ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आया। ये बात सामने आया कि काफ़ी दिनों से सुधीर जो है वो ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था, जिसके बाद ड्रग्स पेडलर की भी गिरफ्तारी की गई। इतना ही नहीं, जो रेस्टोरेंट है उसके वॉशरूम से जिस तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसे भी गिरफ्तार किया गया। अब उससे भी पूछताछ किया जा रहा है। जाहिर तौर पे ये जो मौत की मिस्ट्री है इसको सुलझाने को लेकर लगातार जितने CCTV कैमरे की फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है, उसके जरिए कड़ियों को जोड़ने की कवायद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब करीब करीब गोवा पुलिस जो है इस पूरे मामले की कड़ियाँ जो हैं जोड़ने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और यही वजह है कि फिलहाल अभी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। जो ड्रग्स इनफैक्ट उसको एडमिनिस्टर किए गए थे पब में, शायद वो पहले भी इनफैक्ट उसको दिए गए थे, एक बार हरियाणा में उसकी खीर में शायद मिक्स की गई थी, यही बात कल DGP ने बताया था। लेकिन ये सब फैमिली के आरोप है और यहाँ पे जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं अंजुना पुलिस स्टेशन में, यही सारे बात आज इनफैक्ट इन्वेस्टिगेट हो रही है। ऐसे टाइम पे ये भी बता दें कि ये जो ड्रग पेडलर जो जिनका अभी गिरफ्तारी हुई है वो इनफैक्ट काफी टाइम से ये अक्यूज के साथ यानी कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ काफी टाइम से बात में थे, ये भी शायद जानकारी आ रही है आगे। और ये भी पुलिस अभी बता रही है कि ये दोनों जो अरेस्ट हुए हैं, इनफैक्ट ड्रग पेडलर भी वो यहीं के यानी कि गोवा के वालपोआ एरिया के ही लोकल थे, वालपोआ एरिया के लोकल थे। क्या उनके खिलाफ पहले भी और भी केसेस थे अंजुना पुलिस स्टेशन में या कोई और पुलिस स्टेशन में, ये सारे मामले भी आज इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। लेकिन ये कहां मिले थे ये ड्रग पेडलर्स अक्यूज से, पहले से ही इनसे कोई बात हो रही थी और ये ड्रग जो है पहले भी क्या सोनाली फोगत को इनफैक्ट एडमिनिस्टर किया गया था, ये सारा जो भी आरोप अभी आया है फैमिली की तरफ से आगे कि उसको हरियाणा में भी और दूसरी जगह पे भी उसको यही ड्रग मिलाया गया था उसके खाने में, ये सब अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है।